कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे कलाम की सदाकतों, सच्चाइयों और हकीकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज शाम जब तेरे लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं ताकि कलीसिया की बेहतरी, तरक्की और बढ़ोतरी के लिए अपने अपने किरदार को अदा कर सके, तो हम सबके साथ और रहनुमाई कर, मांगते तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के इस जिंदा कलाम में मैं सिर्फ दो याद पढ़ूंगा, वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए। ये पुराने यादनामा में से सलातीन की दूसरी किताब और उसका पांचवा बाब और उसकी पहली दो आयात। शायराम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नज़दीक मौजूद और मुकर्रम था और उसने आराम को फतह बख्शी थी। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाए सालूस की बरकत हो, आमीन। खुदा उनका कलाम जो ला तब्दील, मुस्तनद, मोतबर और ला तब्दील कलाम है, हम उसकी सदाकत के लिए और उसकी सच्चाइयों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तमाम मौजूद हाजरीन व शिरका, खसूसन जनाब चौधरी इकबाल साहब, भाई शकील नुमान साहब, भाई नवीद सरदार साहब, हमारे प्यारे भाई सैमुल प्यारा साहब और बाकी सब मौजूद मेहमानों के शुक्रगुजार हैं जो कि आज इस तकरीब में शामिल हुए। खसूसन मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से, और इस सर्द मौसम के बावजूद आप यहां पर सब जमा हुए, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज नए साल के इस मेल मिलाप के प्रोग्राम में हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि जिस तरह हम लोग सब जमा हैं, तो हम पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे आपके साथ। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं, अब से कुछ अर्सा पहले जब हमने मुझे इस मीटिंग में यहां पर बुलाया गया और मैंने खुद और बहुत सारे दोस्तों ने ये बात की कि हमारी काफ़ी तंजीमें ऐसी हैं जो कि स्टार्ट करती हैं लेकिन उसके बाद कुछ खातरखा काम नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी, हमारी बरादरी, मसीही बरादरी जो है वो अक्सर मुश्किलात में फंसी रहती है। यूनाइटेड ना होने की वजह से, इत्तेहाद ना होने की वजह से हम लोग हमेशा पिसते आए हैं, जिसका एक सबूत यह है कि गाहे बगाहे हमारी मसीही कौम मुख्तलिफ इशूज़ पर एहतजाज करती हुई नज़र आती है, लेकिन वो एहतजाज भी जो हैं वो कोई बाअसर साबित नहीं होते। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले जितना अरसा से भी मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जितने भी अहदेदारान और मेंबरान हैं वो सब अपने लेवल पर जाकर डोर टू डोर और चर्च टू चर्च एंड एरिया टू एरिया मुख्तलिफ इलाकों पर जाकर लोगों से अपने रबते जो हैं वो जोड़ रहे हैं, और तंजीम के लिए यानी पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इत्तेहाद को तामीर कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ज़मीनी हकायक है, आजकल इलेक्शन का दौर है और हम में से हर कोई इनफरादी तौर पर किसी ना किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी कोई मसीही मजबूत पार्टी ऐसी मौजूद नहीं है जो कि किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मनवा सके, अपने इत्तेहाद को शो कर सके। और अब जानते हैं कि आगे सिर्फ बहुत मुख्तसर वक्त रह गया है, तो हम इस वक्त आप लोगों को सबको पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस में जो लोग ऑलरेडी मेंबर्स शामिल हैं उनको, और जो लोग हाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी तक हमारे मेंबर नहीं हैं, उनको आज रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का हिस्सा बने और हमें मजबूत करें, हमारे बाजू बने, हमारी ताकत बने और आपस में मिलकर एक मुनज़्ज़म मसीही प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया जाए। इस वक्त मैं
सियासी पस मंज़र में भी कुछ बात करना चाहूँगा मुख्तसरन कि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग अपने अपने इंडिविजुअली अपने इंफरादी तौर पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से अटैच हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक मज़बूत शक्ल में उनके साथ शामिल हों, अपना किरदार जिस तरह आप ऑलरेडी इनके साथ अटैच्ड हैं उसको अदा करें, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का जिक्र, अपने आप को पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस का मेंबर या ओहदेदार शो करते हुए उन पार्टियों के साथ काम करें, ताकि वो भी ये जानें कि एक मुनज़्ज़म पार्टी के साथ आपका रابطہ है और आप फिर भी अक़लियत के तौर पर या इनफरादी तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो सियासी तौर पर इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें। मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में हमारे कौम को जिस तरह हर प्लेटफॉर्म पे बात की जाती है कि तालीम की बहुत ज़रूरत है, तो तालीम के साथ साथ सियासी शऊर भी आपका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने राइट्स को जान सकें, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान सकें कि आप क्या हैं। तो आप जहाँ पर भी आपकी अटैचमेंट्स हैं वहाँ पर पूरी अथॉरिटी के साथ आप पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के मेंबर के तौर पर या अहदेदार के तौर पर उनके साथ काम कर सकते हैं। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो खिदमत का मौका मुझे दिया गया चौधरी इकबाल साहब की सरपरस्ती में और आप सब दोस्तों की मोहब्बत के साथ आप सब की मौजूदगी में, तो मैं अपने तौर पर हर तरीके से अपना टाइम, अपनी पूरी कुव्वत और अपना पूरा पैशन इस एजेंडे के लिए और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए ज़रूर लगाऊंगा। एज ए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आया तो मैंने डेवलपमेंट के अंदर बहुत से काम किए जिसमें मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया, और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आके कम्युनिटी डेवलपमेंट में अंदर जहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन में भी मैं रहा, हेल्थ में भी रहा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो खुदा का ये बहुत शुक्र है क्योंकि खुदा ने ये मुझे पोजीशन दी, खुदा ने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई और बहुत सारे लोगों से मिलाया। मैं मेरे ख्याल में एक साल हुआ है पीटर भाई से मिला हूँ, तो मैंने इनके साथ भी बहुत सारी डिस्कशन की, तो मैंने बहुत सारा पीटर भाई को के अंदर ये जज्बा पाया कि वो कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो मेरी इनके साथ फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या एफिलिएशन रही, क्योंकि ये असल में सही मानों में खिदमत करना चाहते हैं जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और एक चीज़ मैं आप सबसे जो है ना अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़ोर लगाएं। मेरे वालदैन बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन खुदा की मदद रही कि मैं पढ़ गया। तो पहली जॉब मेरी जो है वो सैनिटरी वर्कर ही थी, हस्पताल में मैंने झाड़ू से काम शुरू किया BS1 में 2004 में, लेकिन साथ साथ पढ़ता रहा और इस वक्त मैं तो इस वक्त मैं 18वें स्केल में पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ अपने डिपार्टमेंट का। तो ये खुदा की मदद है, वालदैन की दुआएं हैं, और आखिर में मैं कहता हूं कि मेरी मेहनत है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये बात अपने बच्चों को बताएं कि हर तरह की रुकावट अबूर की जा सकती है अगर दिल में जज्बा हो आगे बढ़ने का। तो मेरे दिल में जज्बा था, मेरे घर से मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने, मेरे वालदैन ने, मेरे बहन भाइयों ने बहुत मदद तावन किया। जब कम्युनिटी में गए तो वहाँ से भी बहुत सारा तावन मिला। रुकावटें भी आती हैं लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूं। तो जो तावन मिला है वो याद है और वो मैं आप सबके सामने बयान भी कर रहा हूं। तो ये जो है जब आप कोशिश करने शुरू हो जाएंगे और कामयाब होने तक कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी दूर नहीं होती। सबसे पहले तो जी हमारे बुज़ुर्ग इकबाल साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि हमारे आप पुराने साथी हैं और हमने काफ़ी मिल के जदोजहद की, वो कोई मार रोड हो या प्रेस क्लब हो उसमें बड़ा प्रॉपर इत्तेजाज होते रहे और बड़ी खुशी हुई आपको देख के। और ये सारा
क्योंकि पॉलिटिकल गैदरिंग है, सियासी गैदरिंग है, तो मेरे ख्याल से हमें सियासी बात करनी चाहिए। और क्योंकि उसके बाद खाना भी है क्रिसमस और नया, और चालीस भाई मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा और राइट टाइम पे ये फोरम की ज़रूरत थी, और हमारे पास एपमा के बाद, शहबाज़ भट्टी के बाद कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था, और प्लेटफार्म की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि इकबाल साहब जो आपने एफ़र्ट्स की और जो आपने ये लाइंस बनाया, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस भी हो रही थी। मैं आपको एग्जांपल करना चाहता हूँ कि अंदाज़ा लगा लें, हमारे मिनॉरिटी विंग और जितने बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जहाँ जो ये अपने आप के नाम जिनके आ गए हैं सीटों पे, अंदाज़ा लगा लें कि उनके पास पॉलिटिकल गैदरिंग करने के लिए अपने पास सोर्स नहीं है, वो चर्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो चर्च में जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल जो जलसा है जहाँ गैदरिंग, उसमें वो आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग हो ही नहीं रही। हमारे जितने भी सियासी लोग हैं वो सहारा ले रहे हैं चर्चों का, और देखा होगा कि बड़े बड़े इत्मा किए जाते हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों को बुला के शो किया जाता है कि शायद ये, तो वो तो रूहानी तौर पर दवा कराने आते हैं, अपनी बीमारियाँ के लिए आते हैं, वो पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं ही है। पॉलिटिकल गैदरिंग ये गैदरिंग है जिसमें हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं कि हमें क्या डिमांड करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई पॉलिटिकल हेड आ रहा है, हमारा एम्स क्या होना चाहिए, उनको क्या डिस्कस करनी चाहिए। अंदाज़ा लगा लें कि आप जो मंशूर है इन पार्टियों का, उसमें देख लें मिनॉरिटीज़ को डिस्कस ही नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी अपने आप को इंसानी हकूक की चैम्पियन समझती है, मिनॉरिटीज़ के लिए उनका मंशूर देख लें, एक लाइन भी नहीं लिखी गई कि तसल्ली दे दें उनको। तो ये कमी है पॉलिटिकल सिस्टम की हमारे, हमारे पास कोई ऐसा पॉलिटिकल लाइंस नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है जिससे हम उनको बता सकें कि ये एक हमारा ग्रुप है, ये हमारी एक ताकत है, और वो लोग यहाँ पे आएँ, ना कि चर्च लीडर को वो पॉलिटिकल लीडर समझें। तो ये एक गैप था, और कोशिश करनी है हम सबको कि ये जो पार्टी बनाई गई है इसको मजबूत किया जाए, इसको ये कारमा यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसको हम सब मिलकर आगे लेके जाएं, क्योंकि हमारा एक छोटा सा फोरम है, हम काम कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी कोशिश, हमारे लायक जो भी होगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में या कोई भी, उसके पॉलिटिकल राइट होते हैं, और उसी की वजह से आपके जो राइट्स हैं बाकी वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे महसूस किया गया ये पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी कि हमारी कोई मजबूत पार्टी सामने नहीं आ सकी, तो ये ज़रूरत थी इस वक्त की। गो कि हम लेट हैं, अगर ये पहले एक साल या छः माह होता तो आज कुछ सिनेरियो और होता, और हम इन हुए होते पार्टियों में। तो जिस तरह चार्ल्स साहब ने कहा कि आप, क्योंकि टाइम कम है, इलेक्शन तो आ गया, तो इसमें आप जहाँ पे भी मैं हूँ या आप हो, जो इसको ऑन करते हैं कि हमारी अलायंस पार्टी है, उसको बकायदा तौर पर आप वहाँ पे तारफ़ करवाएं कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी पहचान भी है, मेरी पार्टी पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी है और मैं उसका नुमाइंदा हूँ, और ताकि भरपूर एक जो मैसेज है वो कन्वे हो सके, और कोशिश की जाए कि इसको मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इन दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा की जाए, ताकि प्रॉपर तौर पर ये जो नाम है वो सामने आ सके। अरब में कैसे रहना चाहिए? सब दोस्तों, बुजुर्गों, भाई, छोटे भाइयों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। आज की जो नशिस्त है ये एक यादगार नशिस्त है। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते से मैंने आज जो यहाँ रूह देखी है वो बयान से बाहर है। और मैंने डिप्टी डायरेक्टर साहब के जो बयान सुने वो हमारे नस्लों के लिए,
मोटिवेशनल है, उनको बताएं कि तालीम का कितना असर है। और श्यामल प्यारा साहब ने जिस तरह एक सियासी सोच रखने वाले की एक रॉ होती है, उसको बताया आपको कि सियासी अमल हमेशा आपको तकवीत देता है, आपकी बका का ये सिंबल है। मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूँ, ये चंद दिन पहले भी मेरी बात हो रही तो मैं उनको कह रहा था कि हर आदमी सियासत सीखे अगर उसने इस मुल्क में जिंदा रहना है तो, ये उसकी बका का मसला बन गया हुआ है। क्या नहीं होता हमारे साथ, सियासी तौर पे हमें द्वार पर लगाया हुआ है, हम इनके मोहताज हैं। बच्चियों के साथ जबर और उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, मतलब इतने मसाइल हैं कि हम उनको गिनने बैठे तो एक पूरा वक्त निकल जाएगा। अब तो हमारे पास कोई ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी जिसकी हम मिसाल दे सकें कि हमें यहाँ से स्कूल का कोई ठंडी हवा आती है, हर वो हवा का सुराख बंद कर दिया गया है जिससे हमें कोई ताज़ा हवा आती थी। तो मैं तमाम दोस्तों से, मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं भी एक, मेरा बाप भी रेलवे का एक मजदूर था, लेकिन वो यूनियनिस्ट था, वहाँ वो यूनियन में काम किया करता था, एक अखबार निकला करता था, सोशलिस्ट अखबार था, और वो मैं अखबार मुतालिया किया करता, मेरी तरबियत वहीं से शुरू हो गई थी। जब उनके दोस्त आते मैं उनकी खिदमत करता और उनकी बातें सुना करता था। फिर मैं, मेरा जब दौर है, मैं जवान हुआ, पढ़ाई की, तो मुझे घर को संभालने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मुलाजमत की ज़रूरत थी, तो मैंने वाडला की मुलाजमत हासिल कर ली। लेकिन मैं गाफल नहीं रहा, चूंकि मुलाजम होने की सीयत में मैं फ्रंट पे नहीं आ सकता था, लेकिन मैं हमेशा पीछे रहता था, उनसे दूर नहीं होता था। जो तो फ्रांस जब बिलासमी केस के सिलसिले में लड़ रहे थे, सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे, हमारी हमदर्दियाँ पसे पुश्त उनके साथ होती थी, और हम जो करना चाह, जो उनकी डिमांड होती थी हम पूरी करते थे, माले दामे दरमे सुखने जो भी होता था। क्योंकि मुलाजमत होने के नाते मैं समझता था कि ये रोटी का एक मसला है, हम इसको लूज नहीं कर सकते। दौरान सर्विस प्रमोशन भी आई, एक अच्छा मुकाम भी पाया, लेकिन उसमें तमाम दोस्तों को मैंने एक दिन इकट्ठा किया। मैंने कहा, यार आप लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में बैठे हुए, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं तीन बैठे हुए, ये मैं बाडला की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उन सबको इकट्ठा किया। अब मसला था कि यूनियन बनाई जाए या एसोसिएशन बनाई जाए, जबकि ऑलरेडी वहाँ यूनियन बनी हुई थी और बड़ी कामयाब थी। तो मैंने कहा, नहीं, अगर यूनियन बनाए तो एक से 15 स्केल तक लोग आएंगे, हमारे जो ऊपर क्लर्जी, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो आउट हो जाएंगे, जिनके पास इख्तियार है, जिन जो काम कर सकते हैं, करने को तो एक मामूली कलर भी मार, वो भी आपके लिए कम से कम आसानी पैदा कर देता है दफ्तर में बैठे हुए। तो मैंने उनको इकट्ठा किया, मैंने क्रिश्चियन वाडला एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम से उसको तंजीम को मुनज़म किया, और हमने उससे बहुत कुछ हासिल किया, छोटे छोटे मसाइल। मिसाल के मैं कहीं गया, मुझे काम पड़ गया, तो मैंने उसको देखा कि हमारे यहाँ आदमी बैठा, उसको जाग बताया, वो अपने असर सूख से आसानियाँ पैदा कर देता था। तो ये तमाम बातें बताने का मकसद आपको ये है कि जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए आसानियाँ पैदा करें। मसीह खुदावंद आप सबकी सलामती हो। मैं मसीह खुदावंद आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं चेयरमैन जनाब कायदे पीटर चार्ल्स साहब, पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस, मैं हकीम सजाद वारिस एस पेशावर से, आप जनाब की अजीम जद्दोजहद जो कि एक अजीम, एक जज्बे से आसार कौम की तरक्की और बका के लिए, इस कौम की माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए और मसावी हकूक़ की जद्दोजहद का जज्बा
और सोच लेकर उठे हैं। मैं आपको और आपकी अंतक सोच को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। इस पंडाल में बैठे हुए मेरे मसीही रहनुमाओं और दीगर अहदेदारान और तमाम बुज़ुर्गों और दोस्तों को मेरा सलाम कबूल हो। इजाज़त चाहने से पहले मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा। किरदार की अज़मत को रुसवा ना होने दिया हमने, किरदार की अज़मत को रुसवा ना होने दिया हमने, धोखे तो बहुत खाए मगर धोखा न दिया हमने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इसी में आप सबकी सलामती हूँ। बहुत शुक्रिया पीटर साहब और आप सबका भी आप यहाँ पे आए। शुरू से जब भी हमारी मुलाकात होती थी पीटर साहब से तो यही कहता था कि जी सब पार्टियों के तो नारे लगा लिए, अब टाइम है कि कुछ अपनी भी एक पार्टी हो और अपने लोगों के जो एक समझ लें कि मसले मसाइल हैं, बजाय कि हम बाहर के चौधरी को ला के और उससे अपने फ़ैसले कराएं, क्यों ना हम ये अपने से एक बंदा चुने जो अपने फ़ैसले हम खुद घर में ही सॉल्व करें। तो आज ये दिन जो है वो देखने को नसीब हो गया है और मैं बड़ा खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि एक मसीही पार्टी जो है वो सामने आई है। सारे प्रोग्राम की इन लम्हात के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। आज़ली और अब्दी मेहरबान कादर मुतल खुदा बाप, हम आपका शुक्र आपके नाम की तारीफ करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए। आप जब इस दुनिया में आए तो आपने सबसे पहले बनी न इंसान की जिंदगी से खौफ का आपने कहा डरो मत, आपने ऐलान कर दिया कि तुम्हारा नजादिंदा आ गया है। आमीन। अब वो खौफ की दीवारें तुम्हारे बदनों से दूर हो गई। खुदावंद यीशु जी, हम आपका शुक्र करते हैं आपने इस पार्टी के लिए भी और खास तौर पर सरपरस्ते आला जनाब चौधरी साहब के लिए, जिन्हें आपने इस बात के लिए तैयार किया ताकि कादर मुतली खुदा बाप हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए इस सारे काम को, चौधरी इकबाल साहब के लिए आपका शुक्र करते हैं और अपने पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के चेयरमैन पीटर चाल सोहोत्रा साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनाब शामिल भट्टी साहब के लिए और तमाम इस पंडाल के लिए तो दूसरों से आपका शुक्र करते हैं जिनके आने से ये खूबसूरत महफल खूबसूरत सजी और आपके नाम को इज्जत जलाल मिला। और इस जमायत के साथ पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी के साथ तमाम मुसीमतदारों और आलमगीर क्रिशा और हुकूमत पाकिस्तान के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी जिंदाबाद। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस पार्टी जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।